तो आप क्या बोल रहे थे, क्या अंतर क्या हुआ बिग बॉस में जब आप रही और बाहर में आने के बाद कितना अंतर हुआ है, और लोग आपको पहचानने भी लगे, तो जब आप लोगों के बीच में जाती हैं तो कितना आप अपने आप को सिक्योर और आप इतना कॉन्फिडेंट या उनसे जब इंटरेक्ट होती है तो कैसा लगता है आपको? अब मुझे बहुत अच्छा लगता है, सब लोगों का प्यार मिल रहा है। जब मैं बिग बॉस के अंदर गई थी तो लोग मुझे जानते नहीं थे, बट अब जब मैं बिग बॉस से बाहर आई हूँ तो मुझे हर कोई जानता है। ओ माय गॉड, अर्चना गौतम जा रही है, अर्चना गौतम आपने बहुत मजा किया, और हम सिर्फ आपकी वजह से ही बिग बॉस देखते थे क्योंकि आप हंसाती थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरी वजह से अगर किसी को खुशी मिली या किसी को हंसा अपनी टेंशन से दूर होके, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ तक कि ये भी बोला जा रहा है कि अब हम बोर हो गए हैं क्योंकि बिग बॉस खत्म हो गए हैं। क्या चल रहा है भैया, हाँ क्या चल रहा है, कितना बदलाव हमने देखा है अर्चना को, क्योंकि जब अर्चना आई थी तो वो कुछ और थी, और जब निकल के बिग बॉस से बाहर आई तो वो कुछ और बन के निकल के आई है। तो कितना आप अपने आप को डिफरेंट देखते हैं, जब पहले अर्चना में और अभी की अर्चना में क्या अंतर हुआ है और कितना बदलाव हुआ है? मैं अर्चना ऐसी थी, बट थोड़ा बदलाव आया है, थोड़ा अभी चिल्लाती नहीं हूँ। अभी देखो मैं कितनी चिल्ला रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरी, मैं अगर ऐसे बोलूँगी ना जी जी ठीक है तो आप लोगों को आवाज़ ही नहीं आएगी, इसलिए मुझे थोड़ा चिल्लाना पड़ता है। बट मैं अभी थोड़े ठहराव आ गया मेरी ज़िंदगी में, अभी मैं गुस्सा इतना नहीं करती हूँ और नॉर्मल रहती हूँ। बट वो जो घर था ना, वहाँ पे ऑटोमेटिक ही गुस्सा आ जाता था, पता नहीं किस किस बात पे। तो आप भी जाओगे ना, सीरियसली आप भी गुस्सा करने लगोगे। अभी अर्चना को हम कैसे देख सकते हैं, आने वाले समय कितने प्रोजेक्ट्स हैं और क्या क्या करने वाले हैं? लेट्स सी, फिंगर क्रॉस कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। मैं भी चाहती हूँ कि जैसे कि मैंने बिग बॉस में रह के जनता को हंसाया, एक एंटरटेनमेंट दिया और मस्ती दी, तो मैं चाहती हूँ कि मैं अभी भी कुछ ऐसा करूँ जिससे कि वो लोग हंसें। बस मुझे पता है जनता वेट कर रही है कुछ नए का, तो लेट्स सी क्या होता है, क्या आ रहा है। ये मैं लोकअप में क्या है कि लोकअप की न्यूज आ रही है, बट वो सच में मेरा नहीं, मैं नहीं जा रही हूँ, वो एक अफवाह है। बट हाँ, लेट्स सी कुछ अच्छा, मतलब मैं भी खतरों के खिलाड़ी, मतलब मैं नहीं बोल रही हूँ, जब रोहित शेट्टी सर बुलाएंगे तो सब जाएंगे, और जो कुछ मिलेगा तब भी के लिए जल्दी बताऊंगी आप। उसको मैं मुबारकबाद देती हूँ कि एमसी स्टैंड जीत गया। हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई बंदा सो रहा था और उसको दो हफ्ते पहले समझ में आया और वो जीत गया। ये सीरियसली बहुत अच्छी चीज़ है और मैं उसको मुबारकबाद देती हूँ, अच्छा है, और उनको मुबारक हो, लाइफ में तरक्की करे, और मतलब अच्छा है, मतलब मुझे कोई इतना एतराज़ नहीं है उससे। आज मैं देखो मेरे नेल्स नहीं है, टूट गए करेंगे ना, अभी बात करेंगे, टूट गए मेरे नेल्स, टूट गए, तो मैं अभी कल जा रही हूँ अपने शहर मेरठ, तो थोड़ा सा अच्छे से होके जाती हूँ, नेल्स वेल्स लगा के जाती हूँ, तो मैं इसलिए यहाँ पे नेल्स आर्ट में आई हूँ और अपने नेल्स कराने वाली हूँ। तो उसकी बात का नेल्स होने की बात है, नेल आर्ट स्टूडियो, नेल आर्ट स्टूडियो लोकल में ICICI बैंक के सामने, आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे मैं नेल कराने वाली हूँ, मसाज करने जी। बेस्ट ऑफ, पहले से बेस्ट ऑफ, बाबा सब आपके वजह से ही है जी। चले।